फीस के नाम पर लूट को अब परिजन किसी भी हालत में सहन नहीं करेंगे। बच्चों के अच्छे भविष्य की चिंता और स्कूल प्रबंधन की दादागिरी अब नहीं चलने वाली है। ये संदेश निजी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन को दिए हैं। सोलन में परिजन संघर्ष समिति के बैनर तले भारी संख्या में परिजन स्कूल के बाहर एकत्रित हुए और अपनी बात प्रबंधन के समक्ष रखने का प्रयास किया। स्कूल प्रबंधन ने उनकी आवाज को दबाने के लिए पुलिस बल का उपयोग करने का प्रयास किया, लेकिन स्कूल प्रबंधन इस प्रयास में कामयाब नहीं रहा और संघर्ष समिति के समक्ष घुटने टेक दिए और सभी की बात सुनने के लिए स्कूल में आमंत्रित भी किया, जहां सभी परिजनों ने प्रबंधन के समक्ष अपनी शिकायतें रखी। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि सभी परिजनों ने एकता का परिचय देते हुए अपनी बात स्कूल प्रबंधन के समक्ष रखी और बताया कि वे फीस में करीब 6 गुना वृद्धि किसी भी हालत में सहन नहीं करेंगे और कहा कि स्कूल का कार्य शिक्षा देना है, लेकिन ये शिक्षा के नाम पर लूट की जा रही है जो सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्कूल प्रबंधन ने जब 6 गुना फीस वृद्धि का कारण पूछा तो वे इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं दे सके और स्कूल प्रबंधन ने संघर्ष समिति से 1 सप्ताह का समय मांगा है। अगर वे फीस को कम करने का फैसला लेते हैं तो संघर्ष समिति उनके फैसले का स्वागत करेगी, अन्यथा संघर्ष यूं ही जारी रहेगा। सेंट ल्यूक स्कूल ने जो है फीस का जो स्ट्रक्चर है वो सारे नियमों को सारी गाइडलाइंस को दरकिनार करते हुए अपनी मनमर्जी से इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है और वो अब इसको जस्टिफाई करने में भी फेलुअर हो रहे हैं। और इसके अलावा जो गाइडलाइंस जारी किए उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। पेरेंट्स ने जब इस बारे में पूछा तो वे कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाए। बियॉन्ड दैट परसेंटेज वाइज अगर कोई इंक्रीजमेंट होती है, कुछ लिटल बिट होता है, वो कुछ और चीज़ है, लेकिन अगर डायरेक्ट आप लूटपाट के लिए आएंगे तो मेरा सेंट ल्यूक्स के लिए ये सुजेशन है कि आप हायर्ड गुंडाज को लेके आइए, गुंडे 10-15 हायर्ड, और वो सड़क पे बिठाइए उनको, वो आने जाने वालों को, पेरेंट्स जब अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आते, पिक करने आते, उनको लूटे वहाँ पे। एटलीस्ट पेरेंट्स भी सेटिस्फाई होंगे और स्कूल को भी सेटिस्फेक्शन रहेगी कि आप फीस और उसके नाम पर लूटपाट ना करके डायरेक्टली लूटपाट कर रहे हो। अब और अगली चीज़ मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि ये जो ये मुद्दा है, आप आपकी प्रिंसिपल, आपका मैनेजमेंट, आज जब हमारी बात हुई तो कोई भी सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे पाए हो। एक टाइम सीख कर रहे हो कि जी हम ये टाइम करेंगे, इस हफ्ते का हमें समय दिया जाए, हमें इतना समय दिया जाए। आप मंथली फीस लीजिए जो कि CBSE के नॉर्म्स है, इवन सुप्रीम कोर्ट कोर्ट कानून को दरकिनार करते हुए इन्होंने एक अपना ही जो मतलब कानून तैयार कर लिया है और अपना ही सिस्टम तैयार कर लिया है। मकसद सिर्फ एक ही है कि किस तरीके से पैसा इकट्ठा किया जाए और पेरेंट्स को लूटा जाए। कि जब बच्चे की एडमिशन होती है KG में तो ऑब्वियस चीज़ है KG में हर कोई पेरेंट्स देते हैं पैसे। उसके बाद ये लोग जब बच्चे को 11th में डालते हैं, 10th से 11th में बच्चा आते हैं, तब ये अलग से चार्ज करते हैं हाई अमाउंट। पर इस बार इन्होंने क्या किया, 9th में 25,000 अप्रैल में पे करना है, 10th को भी 25,000-26,000 पे करना है। जो 12th क्लास है इस वक्त तो बच्चे आउट गोइंग है, उनसे 27,000 चार्ज कर रहे हैं। भाई किस चीज़ का चार्ज कर रहे हैं? इनके पास किसी चीज़ का आंसर नहीं है। हम इनको पूछ रहे हैं, ये कुछ नहीं बोल पा रहे हैं कि हमने ये कह रहे हैं हमने तो वेबसाइट पर डाल दिया है। मैक्सिमम पेरेंट्स हैं जिनको ये खोलना भी नहीं आता वेबसाइट, और इनकी वेबसाइट कभी खुलती भी नहीं है। अगर आने वाले दिनों में हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो नेचुरली हम लोग DC तक जाएंगे, CM PM इनके जो इनको माइनॉरिटी का एक ये अपना लगा देते हैं कि जो हमारा तो माइनॉरिटी का स्कूल है, हम इनकी माइनॉरिटी से भी कैंसिल इनकी कैंसिलेशन करवा देंगे, क्योंकि उनकी कमीशनर जो उनसे बात हो चुकी है।